नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एमपी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। जब को बता दें कि घरेलू बिजली पर दी जा रही सब्सिडी कम करने के लिए सरकार नए नियमों को दोबारा से विचार कर रही है। इस मुद्दे पर बने मंत्रियों के समूह ने भी सरकार को सब्सिडी का बोझ कम करने के सुझाव दिए। अगर इन सुझावों पर अमल हुआ तो फिर से 100 रुपए से 100 यूनिट बिजली योजना के दायरे से कई उपभोक्ता बाहर हो सकते हैं। जब वो बता दें कि मंत्रियों के समूह के सुझाव पर अमल की स्थिति में तकरीबन 45 लाख उपभोक्ताओं के सब्सिडी के दायरे से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, बिजली सब्सिडी को लेकर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने फिलहाल सरकार को सिर्फ सुझाव दिए, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन माना जा रहा है कि अगर इन सुझाव पर अमल हुआ तो लाखों उपभोक्ता 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसमें सुझाव ये है कि मंत्रिमंडल समूह की ओर से सरकार को 3 प्रमुख सुझाव दिए गए। इसके तहत कमलनाथ सरकार के दौरान शुरू की गई इंदिरा गृह ज्योति योजना से बड़े सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जाए। 100 यूनिट की सीमा बढ़ाकर 150 यूनिट की जाए, इससे सरकार को 2000 करोड़ रुपए की सालाना बचत हो सकती है। तीसरा सुझाव यह है कि सब्सिडी का फायदा सिर्फ गरीब बीपीएल परिवारों को ही दिया जाए, इससे सब्सिडी पर बोझ करीब 3000 करोड़ रुपए कम हो सकता है और 45 लाख उपभोक्ता भी सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। जी, मौजूदा वक्त में सरकार बिजली सब्सिडी पर करीब 21000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें करीब 16000 करोड़ रुपए किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी पर खर्च होते हैं, जबकि 5000 करोड़ रुपए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर खर्च किए जाते हैं। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना शुरू की थी। इस योजना का फायदा फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। इसी तमाम जानकारी ब्रेक के साथ बने रही वॉइस ऑफ पीपल। जय हिंद, जय भारत।